कहीं पे माँ, कहीं बीवी, कहीं बहन, कहीं बेटी। औरत है एक, निभाती वो कितने रूप है। साया वो खानदान पर करती रही तमाम, अफसोस उसके हिस्से में जो आया वो धूप है। बिल्कुल ठीक कहा मौसिना। अगर हम एक औरत की ज़िंदगी पर नज़र डालें तो हम क्या देखते हैं, अक्सर लोगों को हमसे शिकायतें होती हैं। बिल्कुल ठीक है। कभी हम ये नहीं देखते कि कोई हमसे सेटिस्फाइड है या किसी ने हमसे पूछा है कि हमें हमारी ज़िंदगी में क्या चाहिए। बिल्कुल। ख़ास कर जो तीसरा मरहला है शादी का, मैरिज का, हम कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके पेरेंट्स ने एक्चुअली इनसे बैठकर ये जानने की कोशिश की है कि इन्हें किस तरह का लड़का चाहिए। बिल्कुल। अक्सर हम यही देखते हैं कि अगर जब शादी की बात आती है तो खानदान देखा जाता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखी जाती है, लेकिन शायद ही कोई पेरेंट्स ये देखते हैं कि ये दोनों में कंपैटिबिलिटी है भी या नहीं, क्या वो उनों के गोल्स मैच होते हैं भी या नहीं। बिल्कुल ठीक कहा मौसिना। और अक्सर हम देखते हैं ना, हमारे हिंदुस्तान में व्यूअर्स एक मुहिम भी चलाई गई थी जिसमें हम ये कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल। अब तो मसला ये भी है कि जब बेटियां पढ़ चुकी है, जिंदगी में आगे बढ़ रही है, वुमन एम्पावरमेंट पर इतनी बातें होती हैं, तो जब रिश्ते आते हैं तो क्या होता है, अरे ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ये हमारी हाँ में हानि मिलाएगी, अरे ये इतनी एजुकेटेड है, हमारे लिए मसला बन जाएगा। बिल्कुल। हम उसे ना सबमिट नहीं करेगी, वो हमें शी विल नॉट बी सबमिसिव। बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं जिस वजह से लड़कियां अच्छे रिश्ते नहीं मिल पाते हैं उन्हें। बिल्कुल ठीक कहा, ताकि उन्हें लगता है कि इसका भी अपना एक ओपिनियन होगा, इसकी अपनी एक सोच होगी जो लोग नहीं चाहते। और वहीं जब शादी हो जाती है, वो एक वाइफ बन जाती है, फिर मरहला आता है उसके प्रेगनेंसी का। वहाँ पे नीलम होता ये है कि शादी हुई नहीं कि बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स शुरू हो जाते हैं कि खुशखबरी कब मिलेगी हमें, कब यू नो पोता देखने मिलेगा एंड ऑल ऑफ दैट। सो ये एक एडेड प्रेशर हो जाता है, स्पेशली व्हेन द कपल एक दूसरे से जान ही नहीं पाए अपना खुद को। बिल्कुल। वहाँ पे उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं है, दे आर येट न्यू टू ईच अदर, उसमें ये एडेड प्रेशर और ख़ास तौर पे औरत पे या जो लड़की है उस पे ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है। और अक्सर ये सुना होगा ना, हमें हेल्दी बच्चा चाहिए, हेल्दी बच्चा चाहिए। हमने कितनी बार ये सुना है कि हमें एक माँ भी हेल्दी चाहिए। अगर बच्चा हेल्दी होना इम्पोर्टेंट है तो क्या माँ की हेल्थ इम्पोर्टेंट नहीं है। बिल्कुल। और इसमें ये एक बात बहुत टाइम हम लोगों ने सुना है कि यू नो उनकी रूटीन में कोई दखल नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी नो चेंज इन देयर रूटीन, दे आर सपोज टू मैनेज, ब्रेकफास्ट भी उन्हें ही पकाना है, हर चीज़ में दे हैव टू बी इन फ्रंट, एंड इन द एंड बच्चा भी हेल्दी तंदुरुस्त होना चाहिए। एंड खास तौर पे अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चेंजेस है, ऐसा नहीं है, लेकिन पीपल आर स्टिल वॉन्टिंग के ना पहला बच्चा लड़का है क्योंकि वो खानदान को आगे बढ़ाएगा, वो मैंटेलिटी अभी भी है। बिल्कुल ठीक कहा मौसिना। और इतना ही नहीं, प्रेगनेंसी पर आकर चीज़ें रुकती नहीं हैं। बिल्कुल। अब डिलीवरी हो गई, हम तमाम इस बात से वाकिफ़ हैं, खासकर औरतें इस बात को बहुत अच्छे से जानती हैं कि डिलीवरी के बाद किस तरह चेंज आता है। बिल्कुल। आप सारी रातें जाग रहे हैं, आप न जाने कितने वक्त से सोए नहीं हैं, आपको बैठ कर बच्चे को फीड करना है, आपके पूरी बॉडी में एक हो रहा है, पेन हो रहा है, ठीक है, आपने रेस्ट नहीं किया है। और अगर एक छोटी सी कंप्लेन कोई कर दे, कोई बहू कर दे, तो हम अक्सर सासों को, रिलेटिव्स को क्या कहते हुए सुनते हैं, अरे अल्लाह ने ऐसे ही तो आपके पैर के नीचे जन्नत नहीं दे दी। सही कहा आपने। एंड दिस इज़ लाइक ये एक कलाम, यू नो एक तकियानूसी कलाम जैसे बोलते हैं, कलाम हो गया है कि यू नो इफ़ यू वांट समथिंग, मतलब एक सैक्रिफाइस करना तो लाजमी है, लेकिन उसमें अगर देखते हैं कि शौहर की तरफ से कोई चेंजेस नहीं होती उनकी रूटीन में, लेकिन औरत को ये बच्चे को भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स अकेले ही संभालना होता है, और इसकी वजह से भी कितनी कॉम्प्लिकेशंस होती है, मेंटल स्टेबल नहीं होती औरतें, और उसमें वजह से बच्चे पर भी कितना असर होता है। बिल्कुल ठीक। और शायद यही वजह है कि हमने ये सोचा कि हमारे इस प्रोग्राम वुमेंस लाइफ एजेस एंड स्टेजेस में हमें डिस्कस करना है मैरिज, पोस्टपार्टम एंड डिलीवरी को, जो एक औरत की ज़िंदगी का तीसरा और काफ़ी अहम मरहला है। इन्हीं बातों को डिस्कस करने के लिए, इन्हीं मौजू पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सिस्टर सैयद अजमी ज़हरा। आइए सबसे पहले इनका इस्तकबाल करते हैं। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और साथ साथ में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तहसीन कासिम अली, जो एक साइकाइट्रिस्ट है। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। और साथ में है डॉक्टर अल्फिया बप्पाए ढोलका वाला, हु इज़ अ गायनोकोलॉजिस्ट। सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम।
जी हमारे इस प्रोग्राम में मैम जहां हम डिस्कस करेंगे इन सारी डिटेल्स पर एक वुमेंस लाइफ का जो थर्ड मरहला होता है मैरिज पोस्टपार्टम डिलीवरी ये तमाम चीज़ें, सबसे पहले सिस्टर आपसे ये जानना चाहते हैं हम कि अगर इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें शादी एक लड़की की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होता है, अब अगर उसका खानदान अच्छा है एक अच्छे घर में उसकी शादी हो जाती है तो वह मेंटली एट पीस रहती है, ज़िंदगी भी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर उसकी किसी ऐसे घर में शादी हो गई जहाँ उसकी और उसके हस्बैंड की कंपैटिबिलिटी मैच ना हो, फैमिली वाले बहुत प्रेशराइजिंग हैं, लोगों को घर में बात करने का सलीखा नहीं है, तो हम ये देखते हैं कि वो मेंटली बहुत डिप्रेस भी हो जाती है और उसकी ज़िंदगी में से वो सुकून गायब हो जाता है। तो जब बात आती है लड़की के लिए रिश्ता देखने की तो इस्लाम ने क्या कोई गाइडलाइंस बताई है या कुछ बताया है कि किस तरह अपनी बेटी के लिए एक बेहतर रिश्ता देखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक खैर जो सवाल आपका है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यकीनन कि एक बेटी जो अपने वालिदैन की नूर नज़र है, लखते जिगर है, और यकीनन वालिदैन अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। बेशक बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि कहीं फ़र्क भी किया जाता है बेटी और बेटों में, लेकिन वो वालिदैन की जो यकीनन अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं तो वो अपनी बेटी के एक बेहतर मुस्तकबिल की भी दुआ करते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनकी जो जहाँ कहीं भी उनकी शादी हो तो वो उनकी ज़िंदगी बहुत ही खुशगवार रहे। कोई माँ बाप ऐसे नहीं है कि जो ये कहें कि नहीं हम चाहते हैं कि हमारी बच्ची स्ट्रगल करे या मुश्किल का सामना, नहीं, हर वालिदैन की तमन्ना होती है कि हमारी बच्ची की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जाए और वो खुशगवार जिंदगी रहे। लेकिन ये फकत चाह लेने से नहीं होगा, यकीनन इसके लिए कोशिश भी करनी है और अमली मैदान में भी आना है, यानी कि हमें दीन इस्लाम जिस एतबार से कुछ गाइडलाइन बता रहा है कि जब कोई रिश्ता ढूंढा जाए, आप अपनी बच्ची के लिए कुछ तलाश कर रहे हैं, कोई रिश्ता तलाश कर रहे हैं या कोई पैगाम आ रहे हैं तो उसमें किस तरह से आपको तवज्जो देनी है या किसे आपको प्रेफरेंस देनी है, तो इसके एतबार से अगर शरीयत को हम देखें, दीन इस्लाम को देखें तो बड़ी खूबसूरती के साथ दीन इस्लाम हमें बता रहा है। लेकिन इससे पहले कि मैं उसका ज़िक्र करूँ, पहले ये एक हदीस का जिक्र करती चलूँ कि ये ज़रूरी क्यों है कि हम अपनी बच्ची के लिए अच्छा रिश्ता तलाश करें। यकीनन जवाब है कि उसकी अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए, लेकिन साथ साथ ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दर असल निकाह के ज़रिए आप अपनी बेटियों को दूसरों के अख्तियार में दे देते हैं, तो ये ज़रूरी है आपके लिए जानना कि आप किसके अख्तियार में दे रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, ये हम देखते हैं कि शादी के बाद जो है हक उस बेटी पर, उस लड़की पर, उसके शौहर का हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है यकीनन। तो अब उस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचने समझने की एक वालिदैन के लिए ज़रूरत है कि जिसके अख्तियार में आप दे रहे हैं वो बंदा है कैसा या उनका ख़ानदान कैसा है, हर एक चीज़ को देखना है। बाज़ औक़ात ये देख लिया जाता है कि हाँ ठीक है, अगर माली एतबार से अच्छे हैं तो बेटी तो राज करेगी, आराम करेगी, लेकिन बाज़ औक़ात नतीजे जो हैं इसके बरक्स होते हैं, बिल्कुल उलट हमें कुछ दिखाई देता है। या कभी कभी ये देखा जाता है कि ठीक है अच्छी सी जॉब है, बिजनेस अच्छा है, नामचीन अफराद हैं, शोहरत याफ्ता हैं, तो लिहाजा ऐसे घर में। लेकिन जो हमें इस्लाम बता रहा है, सबसे अव्वलन जो चीज़ देखनी है वो अपनी बेटी के लिए हो या बेटे के लिए हो वो है कंपैटिबिलिटी। यकीनन कुफ कैसा, यकीनन इस्लाम इस बात को, और मिसाल मौजूद है कि कुफ देखना है कि हमें अपनी औलाद के लिए कंपैटिबिलिटी, यानी कि अगर किसी एजुकेटेड लड़की की शादी किसी जाहिल से कर दी जाए तो ये जुल्म होगा, किसी दीनदार की शादी बेदीन से कर दी जाए ये भी जुल्म होगा। अब इसी एतबार से हमें देखना है कि बच्ची के अंदर जो खसूसियात पाई जा रही हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, या जिस एतबार से उसका मिजाज है, जिस एतबार से उसका किरदार है, उसकी सीरत है, माँ बाप बेहतर जानते हैं, उस एतबार से उसका कुफ तलाश करें। मिसाल देखिए, हमें तारीख में मिलती है कि रिसालत माँ आपने रसूलुल्लाह ने अपनी इकलौती बेटी जनाब फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए जब इंतखाब किया है, सिलेक्ट किया है, तो किस बेस पर कि देख रहे हैं आप कि मेरी बेटी किस मकाम व मंजिलत पर है, तो उस एतबार से आपने आपका कुफ तलाश किया, जो कि मौला अमीर हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम थे। बेहतरीन और वाज़े मिसाल है, क्या रसूल खुदा, बल्कि वो दौर तो अभी बस इस्लाम उस दौर में कि ऐसा मामला था कि जाहिल अरब के जहाँ बेटियों को ज़िंदा दफना देते थे, रसूल खुदा वो दीन लेकर आए कि बेटियों को इज़्ज़त अब दी जा रही है। ऐसे आलम में भी आपने बता दिया कि अगर बेटी के लिए तलाश करना है तो सोच समझ कर। तो यकीनन सबसे पहली चीज़ है कंपैटिबिलिटी के एतबार से हम देखें, फिर अखलाक
के एतबार से कि अखलाक कैसा है। माल और दौलत में एक मरतबा कमी हो गई, लेकिन अगर अखलाक मंद हैं तो ये चीज़ें बच्ची के लिए खुशगवार रहेंगी। वो उसकी हर दुख मुसीबत को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर उनका अखलाक अच्छा है, अगर उनका बिहेवियर अच्छा है, तो यकीनन ये चीज़ें भी ज़रूरी है। दीनदारी, अच्छा ख़ानदान, ये तमाम चीज़ें जानने की ज़रूरत है। अब ख़ाहर जहाँ हमने ये देख लिया कि एक बच्ची के लिए इस एतबार से माँ बाप ने रिश्ता ढूँढा है, ठीक है, तलाश किया है, अब जब मामला ये तय पाया कि ठीक है अब बच्ची को रुख्सत करना है, ये रिश्ता पसंद भी आ गया, अब बेटी के लिए भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि हमें उसे भी तो प्रिपेयर करना है, लड़की को भी तो तैयार करना है। फ़क्त ये नहीं कि हम ये देख लें कि लड़की को हम जहाँ भेज रहे हैं उसके बारे में तो हमने बहुत कुछ सोचा, बहुत तलाश किया, लेकिन अब उस बेटी के बारे में भी हमें तैयारी करनी है। क्या तैयारी? कि उस बच्ची को हमें उसके हुकूक भी बताने हैं और उसके फ़राइज़ भी, यानी उसके राइट्स भी बताने हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बतानी है। मैंने ये दो चीज़ें क्यों पेश की? अगर फ़कत राइट्स बता दिए जाएं कि ठीक है आप जा रही हैं, आपका हक़ यह है कि शौहर आपको नान और नफ़का दे, ख़र्चा दे, पानी दे, और आपको अगर इसके मुतालिक वो नहीं ध्यान देता है तो आप लड़ जाएं या इसके मुतालिक, तो एक ज़िंदगी जो है ज़रा तलख होने लगती है। ये आधी अधूरी नॉलेज होगी और कोई भी अधूरा ज्ञान जो है वो नुकसानदेह होता है। दूसरी चीज़ जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ज़िम्मेदारियाँ भी उसे बतानी होगी कि जहाँ आप इतने हुकूक़ हासिल कर रही हैं, इस्लाम आपको दे रहा है आपके शौहर के ज़रिए से, वहीं पर आपके भी कुछ जिम्मेदारियां अपने शौहर के लिए, उनके वालिदैन के लिए, या उस ससुराल में जाकर के अखलाकी एतबार से भी कुछ आपकी भी जिम्मेदारियां बनती हैं। तो अब जब ये दोनों चीज़ें हमने बच्ची को सिखा करके रुख्सत किया है, और पहले हमने शरीक हयात के इंतखाब में भी इस तरह से ख्याल किया, तो इंशाल्लाह जिंदगी खुशगवार होगी। सो मूविंग ऑन टू डॉक्टर, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि जब हम बात कर रहे हैं कि कंपैटिबिलिटी कितनी ज़रूरी है, इस्लाम भी उस पर बहुत जोर देता है, हाउएवर अभी इन अ सिचुएशन कि जहाँ पे कंपैटिबिलिटी नहीं है और यू नो फैमिली भी सपोर्टिव नहीं है, तो इस पे जो इमोशनल स्ट्रेस होता है, मेंटल स्ट्रेस होता है, और मतलब वो जो खातून है, जो लड़की है, उस पे क्या असर होता है फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू? जब शादी की बात आती है, एटलीस्ट हमारे माशरे में ये रहता है कि हम अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के हम अपने इन लॉज के यहाँ जाने वाले या हस्बैंड की फैमिली के साथ जाके रहने वाले हैं, एंड वी आर एक्सपेक्टेड कि जितना हम अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को रिस्पेक्ट करते हैं, लव करते हैं, केयर करते हैं, अ सिमिलर थिंग इज वी आर एक्सपेक्टेड टू डू दैट फ्रॉम दी टू दी अदर फैमिली ऑल्सो। नाउ इन अ सिमिलर मैनर, व्हेन एवर इट इज़ अ रिलेशनशिप, इट इज़ ऑलवेज अ गिव एंड टेक। ठीक है, इफ़ यू एक्सपेक्ट मी टू डू दैट फॉर योर फैमिली, ऑफकोर्स आई एक्सपेक्ट दैट यू टू डू फॉर माई फैमिली। नॉट द फाइनेंशियल पार्ट, ठीक है, दैट्स रियली नॉट, आई मीन आई बिलीव यू शुड नॉट इंटरफेयर रिलेशनशिप्स व्हेन इट कम्स टू मैरिज, बिकॉज मैरिज और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, बिकॉज इट कैन वर्क आउट, इट मे नॉट वर्क आउट, सो यू डोंट वॉन्ट अ डेंट इन योर रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू मनी। बट व्हेन इट कम्स टू रिस्पेक्ट, इट कम्स टू टेकिंग केयर ऑफ पेरेंट्स, इट कम्स टू बींग अवेलेबल फॉर देम, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट बोथ द पार्टीज अंडरस्टैंड दैट। वी डू नॉट एक्सपेक्ट दैट द हस्बैंड वो अपनी फैमिली को अबैंडन कर ले, बिकॉज ही हैज़ हिज ओन फैमिली, ही हैज़ हिज ओन वाइफ, ही हैज़ हिज ओन चिल्ड्रन, ही हैज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिमिलरली वी कैनॉट एक्सपेक्ट द डॉटर टू अबैंडन हर फैमिली बिकॉज शी हैज़ हर इन लॉज, हर हस्बैंड, हर फैमिली, राइट? सो इट इज़ ऑलवेज, ऑफकोर्स इट्स अ वेरी ट्रिकी पार्ट एंड अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट टू ट्राई एंड बैलेंस बोथ ऑफ इट। सो जब आप रिस्पेक्ट दोगे, जब आप केयर एक्सप्रेस करोगे, जब आप एक अवेलेबिलिटी दिखाओगे, देन यू एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम योर पार्टनर ऑल्सो इन रिटर्न। या ओके, सो इफ़ यू वॉन्ट मी टू डू दैट फॉर योर फैमिली, ऑफकोर्स नॉट टू द सेम एक्सटेंट, बिकॉज या येस आई एम स्टिंग विद द फैमिली एंड आई वॉन्ट टू एक्सेप्ट देम एज आस, बट इट कांट बी वन वे, राइट? एनी फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप हैज टू बी अ टू वे थिंग, करेक्ट? ठीक है, देर विल बी कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे डिफरेंसेस रहेंगे, एज सिंपल एज दूध कौन से बर्तन में उबालने हैं, किस तरीके से उबालने हैं, चाय का प्रोसीजर क्या है, पानी कौन ठंडा पीता है, कौन गर्म पीता है, कहाँ बॉटल से पीते हैं, कहाँ ग्लास से पीते हैं, तो बहुत सारे डिफरेंसेस हो जाते हैं। ऑफकोर्स इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर द चाइल्ड ऑल्सो, फॉर द डॉटर ऑल्सो, दैट शी इज़ लीविंग हर कम्फर्ट जोन, हर पिलो, हर बेडशीट, her cupboard, her drawer, routine basically, everything, yes,
keeping everything aside, the surname. Right. Right. That's been the identity of her for years. Whatever number of years she's been not married. Correct. Right. So if there's so much of giving up from one party, there right. has to be certain acceptance from the other party. Right. We get the bride with all fans and fancies and all celebration. But what happens after the celebration is over? Right. तो जब वो celebrations ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये है, of course लड़कों की साइड से भी एक अलग सी चीज़ रहती है जहाँ एक अनजान इंसान उनके साथ आ रहा है, वो कुछ तौर तरीके जस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कुछ तौर तरीके जस्ट करने की कोशिश कर रही है. कोई भी चीज़ नया सीखना आसान रहता है, बट आपने जो सीखा हुआ है उसको भूल के एक नया करना एक मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है. तो अगर मेरे घर में ये रहा है कि पानी डाला, उबाल लाया, चाय की पत्ती डाला, शक्कर डाला, एक्स नंबर ऑफ मिनट्स के लिए बॉईल किया, वही चीज़ वहाँ शायद दूध में बनाते हो. राइट राइट. सो इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. इट इज़ जस्ट अबाउट द टेस्ट ऑफ योर मॉर्निंग टी और द टाइम ऑफ योर मॉर्निंग टी. सो व्हेन वी एक्सपेक्ट दैट द वो जो लड़की बाहर से आ रही है हमारे घर के माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, हमको ये भी देखना है कि वो एक कंफर्टेबल तरीके से कर पाए. Correct. तुम्हारे घर में ये होता होगा, हमारे घर में ये नहीं होता है, हम तो ऐसे करते हैं. वही चीज़ लड़की भी रिजिड नहीं रह सकती है कि मेरे घर में तो ऐसा ही था तो मैं तो इसी तरीके से करूँगी. तो जो भी है, चाहे हस्बैंड है, चाहे वाइफ है, चाहे सास है, चाहे ससुर है, चाहे ननंद है, कोई भी इंडिविजुअली एक अपना पर्सनालिटी, अपनी सोच, अपना तौर तरीके नहीं बदल सकते. दे ऑल हैव टू लर्न टू कम टू अ मिड पॉइंट, लाइक अ हस्बैंड एंड वाइफ कम टू अ मिड पॉइंट, ट्राई एंड एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और बीच में कहीं आके मिले जहाँ दोनों कंफर्टेबल हैं अपने एडजस्टमेंट्स और अपने जो भी वो गिव इन कर रहे हैं. ठीक है, एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, एक मैलेबिलिटी ला रहे हैं, एक हम अपने आप को मोल्ड करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ओपन माइंड रख रहे हैं दोनों पार्टीज के, यू नो दे बोथ हैव टू एडजस्ट टू सम एक्सटेंट. इट इज नॉट दैट. ज़्यादातर क्या होता है, अगर एक डिसएग्रीमेंट होता है तो हमारा ये रहता है सामने वाले ने ये किया, अगर वो ये चीज़ बदल दे तो सारा मसला ही ठीक हो जाएगा. बट हम ये नहीं समझते हैं कि हम अपने अलावा दुनिया में किसी को नहीं बदल सकते. तो अगर मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ तो मैं ये देखूँ कि मैं मेरी ज़ात से किस चीज़ में बदलाव कर सकती हूँ. अगर एक छोटा आर्ग्यूमेंट भी होता है तो एक जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ताली एक हाथ से नहीं बजती. जी, किसी की कम किसी की ज़्यादा गलती होगी, बट गलतियाँ सर्टनली दोनों तरफ से होगी. जी, तो अगर हम वो एक्सपेक्टेशन छोड़ दें कि आप ये चीज़ बदलो तो कोई सोल्यूशन निकलेगा, ये देखिए कि मैं किस तरीके से किस चीज़ में बदल सकती हूँ ताकि सोल्यूशन मेरी तरफ से हो पाए. रिजिड नहीं होना है हमें किसी भी चीज़ को लेकर. बीइंग रिजिड इन सर्टन एस्पेक्ट्स वेर इट इज़ अफेक्टिंग हेल्पिंग यू मेंटेन योर रिलेशनशिप्स बेटर, सर्टनली येस. Rigidity in not wanting to give up on the relationship, rigidity in wanting to discipline your children in a certain way, rigidity in wanting to maintain your work life, personal life balance. Right. तो जहाँ आपको उस रिजिडिटी से फ़ायदा होता है प्लीज़ उसको रखिए, बट जहाँ लग रहा है कि नुकसान हो रहा है, जहाँ पे आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हो रहे हैं, जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो रहे हैं, जहाँ पे झगड़े हो रहे हैं, फैमिली में डिस्टेंस आ रहा है, ऑफकोर्स वर्क ऑन दैट. जी. सो इतनी सब बातें बोलने के बाद, कंपैटिबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, येस, बट हाउ डू वी नो वेदर वी आर कंपैटिबल और नॉट टिल वी डोंट टॉक टू ईच अदर. राइट. जब तक हम एक दूसरे का नज़रिया नहीं समझेंगे, जब तक एक मैथ्स एग्ज़ाम है उसमें 100 बच्चे जा रहे हैं, हर एक बच्चा एक अलग नज़रिए से जाएगा. कोई ये कहेगा कि मैं पास हो जाऊं, कोई ये कहेगा कि मैं फ़र्स्ट आऊं, किसी को लगेगा मुझे एक्स वाई जेड मार्क्स चाहिए, कोई ये सोच के साथ जाएगा कि मैंने चिट्स तो लाए हैं, चीटिंग करने मिल जाए. जी. बट वो एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर सेम है, टीचर सेम है, सिलेबस सेम है, जितना टाइम आपको एग्ज़ाम के लिए मिल रहा है वो सेम है, करेक्टर सेम है, सिचुएशन सेम है, हर एक बच्चे का नज़रिया अलग है. बिल्कुल. और उनकी केपेबिलिटीज भी अलग है. भी अलग. सेम गोज विद मैरिज. सो सेम गोज विद मैरिज. अगर आप बहुत सारे इश्यूज ये होते हैं कि अगर घर में 2-3 डॉटर इन लॉज हैं तो एक कॉन्स्टेंट कंपैरिजन होता है, इसने ये अच्छा किया तुम ऐसा नहीं करती,
तो जब आप वो करते हैं तो आप एक हाथ की पांच उंगलियां सेम नहीं रहती है। तो जब अल्लाह ने मेरी खुद की पांच उंगलियां सेम नहीं बनाई हैं, तो तीन बहुएं या तीन बेटियां कैसे सेम हो सकती है? जो आप अगर पुलाव बना रहे हैं तो हर एक की रेसिपी अलग होगी, बेसिक इंग्रेडिएंट सेम रहेंगे, कोई चीज़ का क्वांटिटी कम रहेगा, कोई का ज़्यादा रहेगा। बट आप अगर आप ये बताइए कि अच्छा ठीक है, आपने हमारे बात में ये बात हुई, आपने ये बोला, इस चीज़ से मुझे हर्ट हुआ, शांति से बिना आवाज़ ऊंची करके और गुस्से में नहीं, क्योंकि गुस्से में कोई प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होता है, इनफैक्ट प्रॉब्लम सिर्फ बढ़ते हैं। जब हम गुस्सा है, हमारा एक ही टारगेट रहता है कि मैं कैसे प्रूव करूं कि मैं सही हूं और सामने वाला गलत है। बिल्कुल, मतलब ओपन कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू मेंटेन एनी रिलेशनशिप, राइट? सो अगर कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ रहे हैं, वन, सिट एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। अगर आपको लगता है, दूसरी बात, अगर कंपैटिबिलिटी इशू हस्बैंड एंड वाइफ में हो रहा है, पहले इम्पोर्टेंट है कि आप ट्राई करें कि आप अपने बेडरूम में, अपनी रूम में, अपनी प्राइवेसी में अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। जी, अगर आपको लग रहा है कि वो एक डिस्कशन आर्ग्यूमेंट में टर्न हो रहा है, जी, स्टॉप, वन ऑफ यू विल हैव टू स्टॉप, क्योंकि आर्ग्यूमेंट करके चीज़ें बिगड़ने वाली होंगी, कोई सोल्यूशन बिल्कुल नहीं निकलेगा। इफ़ यू फील यू ऑल आर नॉट एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम टुगेदर, टेक हेल्प ऑफ एन एल्डरली इन द हाउस, बीट योर पेरेंट्स, बीट एन एल्डर ब्रदर, सिस्टर, एनी वन इन द फैमिली हुम यू थिंक वॉन्ट्स द बेस्ट फॉर बोथ ऑफ यू एंड इज़ अ न्यूट्रल पर्सन। बिकॉज अगर मैं लड़की की मम्मी बोलेगी तो ऑब्वियसली शी इज़ गोइंग टू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द डॉटर, बायसनेस होती ही है, दैट इज़ गोइंग टू हैपन। सो टू कीप एन न्यूट्रल पर्सन हु इज़ नॉट interested, not taking sides yeah. and wants the well-being of both of you. जी, यानी हम ये देख सकते हैं कि शादी में एडजस्ट करना, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अब ये तमाम चीज़ें हो जाए तो डॉक्टर अलफिया, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अक्सर शादी के बाद जो एक बड़ा प्रेशर लड़की पर होता है वो ये है कि हर कोई चाहता है कि गुड न्यूज़ जल्दी मिले। जब लड़कियां बाहर भी जाती है, रिलेटिव्स के यहाँ जाती है, तो उन्हें यही पूछा जाता है, चाहे एक महीना हुआ हो, दो महीना हुआ हो, आप गुड न्यूज़ हमें कब दे रही हैं। घर के एल्डरली भी ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो अपने पोता का, पोती का चेहरा देख सके। तो जब बात आती है फैमिली प्लानिंग की, चाइल्ड प्लानिंग की या प्रेग्नेंट होने की, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिसका ख्याल रखना हेल्थ वाइज ज़रूरी होता है? तो बेसिकली व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इट्स नॉट कि बटन दबाओ और बच्चा हाजिर करो, राइट? ओके, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट गो इनटू इट। व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज लड़की तभी प्रेगनेंसी प्लान करेगी व्हेन शी इज़ रेडी। ओके, रेडीनेस सिर्फ फिजिकल और मेंटल हेल्थ तो है ही, पर इट इज़ ऑल्सो माहौल कि इज़ द माहौल राइट टू गेट द चाइल्ड। ओके, तो एज फार एज फिज़िकल हेल्थ जो माँ की रहती है, तो हम जनरली एडवाइज़ ये करते हैं कि आफ्टर मैरिज जब प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं तो बेटर विजिट द डॉक्टर। हम बेसिक चेक्स करवाते हैं, लाइक हीमोग्लोबिन रिलेटेड कुछ इश्यूज़ तो नहीं है, शुगर्स है, ऐसे टेस्ट करवाते हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम है वो करेक्ट होता है बिफोर प्रेगनेंसी प्लानिंग। जी, सेकेंडली इज़ के स्ट्रेस। नाउ एक स्ट्रेस ऑल्सो हैज़, ये इतना अहम चीज़ हो गई है, तो वेदर इट इज़ फैमिली प्रेशर स्ट्रेस, गेटिंग प्रेगनेंट स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस, तो नाउडेज लेडीज़ को ना मल्टीपल जॉब्स रहती है। इट इज़ नॉट कि शादी हो गई अभी सिर्फ बच्चे करना है। वी आर ऑल लाइक इन द मिडिल क्लास, हमें बच्चे भी देखना है, वर्क भी करना है, घर भी देखना है। सो इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल के शी गेट्स हेल्प, मतलब सब काम एक ही चीज, एक ही लेडी से नहीं होता है। ताकि कंपैरिजन अक्सर ये रहता है ना घरों में, सासें अक्सर ये कहती है मैंने अपने वक्त पर मैंने इतने बच्चे पैदा किए, मैं तो ये भी करती थी, खाना भी बनाती थी, कपड़े भी सुखाती थी, कपड़े भी धोती थी, बर्तन भी धोती थी। वही सेम जो एक्सपेक्टेशन होती है अब वो बहू पे जाती है कि अगर प्रेगनेंसी के साथ करो तो क्या मसला है। तो ये जो स्ट्रेस रहता है ना, तो उसमें बहुत हार्मोनल इश्यूज वगैरह आते हैं जिसकी वजह से फिर प्रेग्नेंट होना ऑल्सो बिकम्स अ टास्क। ओके, स्ट्रेस की वजह से? यस, स्ट्रेस हार्मोनल इम्बैलेंस करती है, पीरियड इरेगुलरिटीज करती है, जिसमें प्रेगनेंसी फिर होती भी नहीं है, देन अगेन दवाइयों पे बात जाती है। जी, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि शी शुड बी इन अ रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड, फिजिकल हेल्थ भी सही होनी चाहिए, फिर वो प्रेगनेंसी आती है। एंड ऑल्सो लेडीज़ को ये बात जानना भी ज़रूरी है
कि जो खाना पीना आजकल मिलता है इज नॉट ऑफ दैट प्योर फॉर्म विच वॉज अवेलेबल लाइक ईयर्स बैक. ओके, प्लस जो स्ट्रेस लेवल्स आज देखने को मिल रहे हैं, ओके, ट्राइंग टू फिट इन टू द सोसाइटी टाइप ऑफ एन एटीट्यूड जो पहले के जमाने में नहीं था, तो ये सब भी चीजें बहुत अफेक्ट करती है इन टूडेज लाइफ, चाहे स्पेशली फॉर अ लेडी, बिकॉज उसको फिर जब वो ऐसा सुनती है शी फील्स लाइक हाँ मुझे भी फिर करना है, आई हैव टू डू इट, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, तो उसमें देन शी गोज एट अ लॉस, शी सफर्स. या सो इट इज इम्पोर्टेंट. इज दिस ऑल्सो अ कॉज के बहुत सारी प्रेगनेंसीज नो मिसकैरेजेस में तब्दील हो जाती है, यू डोंट गो टू फुल टर्म, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस. बिकॉज स्ट्रेस में क्या होता है, एज आई सेड, वन इज गेटिंग प्रेगनेंट, सेकेंडली इज इन प्रेगनेंसी. नाउ इन प्रेगनेंसी ऑल्सो इफ माहौल अच्छा नहीं है, टू मच ऑफ वर्क प्रेशर्स, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स माँ के घर में इज शी मस्ट हैव नॉट वर्क सो मच लाइक शी इज वर्किंग इन इन लॉज हाउस, सो फिर शी डज नॉट ईट वेल, तभी खाना पीना बराबर से नहीं होगा तो कमजोर बच्चा आएगा. प्रेगनेंसी में फिर डिलीवरीज आती है, तो देन शी कांट टेक दैट पेन, फिर सिजेरियन जाता है, कमजोर बच्चा नॉर्मल डिलीवरी लेता नहीं है, शी कैन नॉट पुश, उतनी ताकत ही नहीं रहती है, फिर सिजेरियन सेक्शन रेट्स बढ़ जाते हैं. देन नॉट ओनली दैट, देन ब्रेस्ट फीडिंग आता है, सो नाउ मेनी टाइम्स यू हियर कि दूध नहीं उतर रहा है, तो दूध बनना इज इज बाय द ब्रेन. तो अगर तुम्हारा ब्रेन ही सही इज नॉट बैलेंस्ड और तुम वही स्ट्रेस में हो कि मैं बच्चा कैसे मैनेज करूंगी, मैं घर का काम कैसे करूंगी, तो दूध नहीं उतरेगा, बिकॉज इट्स द ब्रेन दैट नीड्स. स्ट्रेस इतना बड़ा मसला हो सकता है, बी इट प्रेगनेंसी, बी इट फीडिंग और डिलीवरी. यस जी, डेफिनेटली राइट. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात नीलम डॉक्टर ने कहा है कि स्ट्रेस, मतलब लोग तो लगता है सब लोग ही स्ट्रेस में हैं अभी, क्या है, इट्स लाइक अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, लेकिन ये बात नहीं है, स्पेशली इफ यू नो यू आर प्लानिंग अ चाइल्ड और यू हैव अ चाइल्ड. एग्जैक्टली, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट. एंड वो मतलब कितने साल है, 2-3 साल है जहाँ पे फैमिली सपोर्ट इज सो इम्पोर्टेंट. तो सिस्टर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे डॉक्टर ने हमें कहा कि मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, ये सारी चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट है एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए, तो फैमिली प्लानिंग हो या जब खातून हामिला है, तो इस्लाम का क्या नज़रिया है, इस्लाम हमें क्या ताकीद करता है कि खातून को किस तरह से रखना चाहिए. जी खैर, जैसे कि सवाल अभी आपने किया फैमिली प्लानिंग के एतबार से, तो सबसे पहले इस बात को अर्ज करती चलूँ कि यकीनन हस्बैंड वाइफ के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा औलाद होती है. Absolutely. और ये औलाद के बारे में ये फैसला उन्हीं का होता है, यकीनन होना भी चाहिए, ये उन्हीं का होता है, इसमें इंटरफेरेंस किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है, माँ बाप वो बनने वाले हैं, तो वो ये डिसाइड कर रहे होते हैं, तो लिहाजा इसमें उनको पूरी आजादी है इस बात को सोचने की. यानी इस्लाम भी ये हमें इजाजत देता है कि बड़ों की बात सुनना और उनको उनको मतलब ये डिसीशन कर सकते हैं ना कि जी जी, अखलाकी एतबार से देखिए, अगर कोई बड़ा कह रहा है ठीक है, मुस्कुरा कर आप जवाब दे दें, और उसके बाद ये फैसला आपका है, यानी जनो शोहर का, हस्बैंड वाइफ का. और जो सवाल फैमिली प्लानिंग का है, तो यानी बच्चों में वक्फा देना कि अभी वक्त ले रहे हैं, वक्फा कुछ ले रहे हैं, तो इसकी पूरी तरह से इजाजत इस्लाम दे रहा है. या एक बच्चा होने के बाद दूसरे बच्चे में वक्फा ले रहे हैं, तो इसकी भी इजाजत, यानी फैमिली प्लानिंग की इजाजत इस्लाम दे रहा है. यानी कि बच्चा शिकम में, मादर में आने से पहले, नुस्खा करार पाए उससे पहले, अगर नहीं चाहते हैं मियां बीवी, अभी जनो शोहर का इरादा नहीं है, तो इसकी इजाजत है, जब वो चाहते हैं तब उस वक्त वो प्लान करें. अब जब ये बात हो गई कि ठीक है, अब इरादा हुआ और एक खातून जो है वो हामिला होती है, तो यकीनन यहाँ पर ज़रूरी, बहुत ज़रूरी बात बल्कि कहें कि यह है कि उसका ख्याल रखना, कि जो बिलखसूस माशरे की एक रविश बन गई है कि हाँ खातून अगर हामिला है तो क्या, ठीक है उसका मर्तबा तो इतना बड़ा है ना, तो लिहाजा वो तमाम चीज़ें करेगी और घर के काम भी करे, अपना ख्याल भी खुद रखे, तो ये तमाम चीज़ें बाज़ औक़ात उस पर ही छोड़ दी जाती हैं. लेकिन इस्लाम हमें क्या कहता है कि ऐसे आलम में भी यकीनन, चूंकि जब वो हामिला है तो उस पर दो जान की जिम्मेदारियां, वो अपना भी ख्याल रखे, घर के भी काम काज आप उससे पूरे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो तमाम चीजों को भी अच्छी तरह से अंजाम दे, मेहमान आ रहे हैं उनके साथ भी वो बेहतरीन तरीके से पेश आए, फिर उसे बच्चे के मुतालिक भी प्रेशराइज किया जाएगा कि देखो बच्चे का बहुत ख्याल रखना, कुछ ऊंचा नीचा होने ना पाए, कुछ मसला ना होने पाए, यानी हर तरफ से एक स्ट्रेस है उसके लिए. लेकिन इस्लाम इसकी इजाजत तो हरगिज नहीं दे रहा. इस्लाम तो ऐसे आलम में भी हामिला औरत का बहुत ख्याल रखने का हुक्म दे रहा है, यहां तक कि क्योंकि जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने बड़ी खूबसूरत तरीके से वाजे किया इस बात को कि अगर वो
टेंशन लेती है, स्ट्रेस लेती है, तो जिसका असर ना सिर्फ उसकी सेहत पर बल्कि उस बच्चे पर भी होगा जो माँ के शिकम में अभी मौजूद है। तो अब ये चीज़ें एक सास हो या कोई घर के बुजुर्ग हो, वो भी बखूबी जानते हैं कि अगर शिकम मादर में एक बच्चा पल रहा है तो उसकी सेहत की जिम्मेदारी इस दौर में बहुत अहम है कि जब वो माँ के शिकम में है। यकीनन जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया कि ये घर वाले इस बात से वाकिफ होते हैं, लेकिन अगर हम माशरे पर नज़र डालें सिस्टर, तो अक्सर यही पाया जाता है ना कि अगर आप एक जॉइंट फैमिली में हैं, आप साथ में रह रही हैं, तो अक्सर कंपैरिजन आ जाता है कि हमने हमारी प्रेगनेंसी में घर के काम भी किए थे, हम तो ये भी करते थे, वो भी करते थे, हमने तो बहुत बच्चे पैदा किए, क्या हमें नहीं पता क्या होता है, तो हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकती। हर इंसान के लिए यकीनन अल्लाह ने फ़र्क रखा है कुछ ना कुछ सबकी। देखिए हर इंसान, ठीक है, इंसान हैं, आँखें हैं, हाथ पैर हैं, इस एतबार से हम अगर बात करें तो सभी एक जैसे नज़र आते हैं, लेकिन हर इंसान का मिजाज अलग है, हर इंसान की का जो जिस्म है वो चीज़ों को किस तरह से एक्सेप्ट करता है ये तरीका भी अलग है। और डॉक्टर साहिबा बखूबी से जानती हैं कि यकीनन किस तरह से एक औरत का जिस्म हो या एक मर्द का जिस्म हो, हम ये नहीं कह सकते एक मर्द ऐसा है तो दूसरा मर्द भी ऐसा होना चाहिए, एक औरत ऐसी है तो लिहाजा दूसरी औरत के अंदर भी इतनी जो है ताकत होनी चाहिए। हो सकता है कि जो ये कह रहे हैं कि हमारे दौर में हमने 6-7 बच्चे और बड़ी आसानी के साथ नॉर्मल डिलीवरी हो जाया करती थी तो कोई मसला नहीं, लेकिन आज के दौर में उस दौर से इस दौर में भी हम अगर कंपेयर करें बहुत चीज़ों में फ़र्क आ गया है। डॉक्टर साहब ने कहा कि खाने पीने के एतबार से यकीनन जो हवा पानी है, जो खाना पीना, बहुत सी चीज़ें, पहले इंसान देहात वगैरह में रहता था तो शहरों से दूर है, बहुत सी पॉल्यूशन है जिससे वो महफूज रहता था, आज शहरों में ज़िंदगी गुजर बसर हो रही है, बहुत सी चीज़ें हैं कि जो उसके खाने पीने के एतबार से भी उसके सेहत पर अफेक्ट कर रही होती हैं और जो ये हवा पानी है उसके एतबार से भी, तो वो चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। लिहाजा हम अपनी सिचुएशन को ये कह करके हमारे दौर में हमने ऐसा सा और हमने तो बर्दाश्त किया और हमने इस तरह से इस चीज़ों को सामना किया तो आप क्यों नहीं कर सकती, ये दरअसल सिर्फ एक जुल्म के सिवा या एक ज्यादती वाले अल्फाज के सिवा कुछ नहीं। और जैसा कि आपका सवाल कि एक हामिला औरत इसके मर्तबे के मुतालिक भी इस्लाम क्या कहता है, यकीनन बहुत बुलंद मर्तबा एक औरत एक जब माँ बनने वाली होती है या उसके शिकम में जब एक बच्चा पल रहा होता है, बहुत बड़ा मर्तबा परवरदिगार आलम ने उसे इनायत किया है। मैं एक हदीस मुबारक का जिक्र करती चलूँ, हमारे आखिरी नबी ख़ातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो औरत जो बच्चे को जन्म देती है जिसके शिकम में बच्चा है, उसके लिए फरिश्तों को हुक्म होता है कि लिखो कि गोया वो रोज़ा रख रही है, यानी वो रोज़ा नहीं रख रही है लेकिन उसके लिए ये हुक्म दिया जा रहा है कि इसके नामे आमाल में लिखो कि गोया ये रोज़ा रख रही है, यानी रोज़े का सवाब उसके लिए। फिर अल्लाह हुक्म देता है फरिश्तों से कि लिखो कि ये नमाज़ पढ़ रही है, हालांकि वो उस वक्त हो सकता है नमाज ना पढ़ रही हो, लेकिन अल्लाह कहता है कि इसके लिए इसके नामे आमाल में ये सवाब लिखा जाए चूँकि वो हामिला है। फिर अल्लाह कहता है, फरमाता है इस हदीस मुबारक में रसूल खुदा बयान फरमाते हैं कि फिर खुदावंद आलम फरिश्तों को हुक्म देता है कि वो जिहाद कर रही है दो चीज़ों से, उसका भी सवाब लिखा जाए। कौन सी दो चीज़ें? एक कि वो अपनी जान भी दे रही है, शहीदा है यानी वो जिंदा है, लेकिन फिर भी उसे ये सवाब मिल रहा है कि गोया वो अपनी जान को दे रही है और वो शहीदा है, और फिर अपना माल राह खुदा में जो है वो दे रही है, इतना सवाब उसे मिल रहा है जो खातून प्रेग्नेंट होती है। अब सोचिए जिसका मकाम, जिसका मर्तबा, जिसकी मंजिलत को अल्लाह ने इतना बढ़ा दिया, हम उसे टॉर्चर करते रहते हैं कि नहीं तुम कोई ख़ास हो, अरे अल्लाह ने ख़ास बना दिया है, अल्लाह ने उसे आम फहरिस्त से हटाया है, मखसूस कर दिया है। और फिर यही औरत जब बच्चे को जन्म देती है तो खुदावंद आलम कहता है कि अब ये जन्नती हो गई। तो सोचें कि कितना बड़ा मकाम, कितना बड़ा मर्तबा अल्लाह ने दिया है। तो वो अफराद की जो इस तरह के सवाल करते हैं या इस तरह के तंज करते हैं प्रेगनेंट लेडी को कहते हुए नजर आते हैं, वो एक मरतबा सोचें कि जब खुदा इतना नवाज रहा है तो हमें हक नहीं पहुंचता कि हम इस तरह के अल्फाज को तकलीफ दे। मौसिना, हम देख सकते हैं कि इस्लाम बहुत खूबसूरत है, ठीक है, पर इस्लाम के जो मानने वाले हैं उनकी पिक्चर कुछ और ही नजर आती है। डॉक्टर, जिस तरह से हमने देखा कि जहाँ बात आती है मेंटल स्ट्रेस की, जो अक्सर औरतें प्रेगनेंसी में फेस करती हैं, ठीक है, हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है, हर किसी का वो जो जर्नी होती है, अगर मैं अपनी बात करूँ मुझे बहुत उल्टियाँ होती थी, ठीक है, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाती थी किसी भी चीज़ की स्मेल। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत नींद आती है, किसी की प्रेगनेंसी बहुत रिलैक्स होती है, लेकिन मसला ये आता है जब एक औरत अपनी प्रेगनेंसी में बीमार होती है, उसमें कुव्वत नहीं होती है, ताकत नहीं होती है, वहीं अक्सर उनके घरों में झगड़े होते हैं, स्ट्रेस होता है, लड़ाइयाँ होती है, कंपैरिजन होता है, कॉन्स्टेंट कंपैरिजन, हमने हमारे वक्त में ये किया, तुम ये नहीं कर सकती, ये एक्टिंग कर रही है, ये ड्रामा कर रही है,
जब उसके आसपास इस तरह की बातें होती हैं, ठीक है, उसे बार बार ब्लेम किया जा रहा होता है, उसे अंडरस्टैंड नहीं करता है कोई, उसके जहन पर और उसके बच्चे पर जो उसके पेट में पल रहा है, किस तरह का असर होता है? प्रेगनेंसी के दौरान जो एनवायरनमेंट है या आपकी इमोशनल हेल्थ है, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। प्रेगनेंसी में ये होता है कि हर कोई जो है वो बच्चे के लिए केयर कर रहा है जी। हम अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं बच्चे की वेलबींग के लिए करा रहे हैं, हम ब्लड टेस्ट करा रहे हैं कहीं ना कहीं बच्चे की वेलबींग के लिए, हम अनॉर्मली स्कैन करा रहे हैं बच्चे की वेलबींग के लिए कर रहे हैं। सो वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन द वेलबींग ऑन द चाइल्ड ऑफ द चाइल्ड, बट वॉट अबाउट द वेलबींग ऑफ द मदर? द चाइल्ड कैन नॉट बी इन अ गुड इमोशनल स्टेट और फिजिकल स्टेट और मेडिकल स्टेट इफ द एनवायरमेंट दैट दे आर, दैट इज़ द बॉडी ऑफ द मदर, इफ दैट इज़ नॉट इन अ काम स्टेट। सो मेडिकली स्पीकिंग एज पर रिसर्च, बच्चा जब अंदर है तभी भी वो अपनी मदर की आवाज़ें सुन सकता है जी। द स्ट्रेन इन हर वॉइस, द पेन दैट शी गोज थ्रू इमोशनली, वेदर शी इज वोकलाइजिंग इट और नॉट, और द फीलिंग्स दैट शी इज़ हैविंग, द थॉट्स दैट शी इज हैविंग वाइल गोइंग थ्रू द एनवायरमेंट। फिजिकली बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं उसमें भी। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक अ न्यू ह्यूमन बींग विद इन योर बॉडी। येस इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल थिंग, येस इट हैपन्स टू ऑलमोस्ट एवरी वूमेन हु बिकम्स टू एवरी वूमेन हु बिकम्स अ मदर, विच इज मोस्ट ऑफ द वूमेन, बिकॉज वो एक इनेट थॉट रहता है दैट आई वॉन्ट टू बी अ मदर, राइट? सो एवरी वन इज गोइंग थ्रू इट। So it is important to understand that first comes the well-being of the mother. Physically, आप देखो that she's eating well. हम क्या करते हैं, अरे मैंने तो fruits ला के रखे हैं, मैंने तो खजूर ला के रखे हैं, मैंने तो dry fruits ला के रखे हैं, but ये खाती नहीं है जी। Sit with her. Maybe आप एक plate में थोड़ा सा ज़्यादा ले लो, आप उसके साथ बैठ के खाओ तो शायद खा लेगी। उल्टियाँ तो सभी को होती है, हमको भी हुई, बट देन ज़रूरी नहीं है कि हर एक का मॉर्निंग सिकनेस सेम है। ज़रूरी नहीं है कि किसी को 3 महीने ही उल्टी हुई तो उसको 3 महीने में ही होगी। ज़रूरी नहीं है कि किसी का एकदम अच्छा प्रेगनेंसी था, उसको कोई डिफ़िकल्टीज नहीं हुई तो सारी को वैसे होंगी, या क्योंकि वो जाहिर नहीं कर रही है कि मुझे डिफ़िकल्टीज प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैक्टली, दे आर मैनेजिंग। दैट इज़ अ पीरियड वेन दे आर वेरी लोनली, बिकॉज ऑल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, बाबा नॉर्मल के लिए जाना है, सिजेरियन नहीं करना है। ये तो स्टार्ट से डिस्कशन रहता है, ये प्रेशर, इट इज वेरी स्ट्रेसफुल। बिकॉज जस्ट 2 वीक्स बैक आई हैव सीन अ वुमेन 8वें महीने में है, फगेट मैं दूसरे बच्चे को कैसे मैनेज करूँगी, फगेट मैं अकेली रहती हूँ, न्यूक्लियर फैमिली में है, हमारे खाने पीने का क्या होगा, मेड का क्या करना है, हस्बैंड का टिफ़िन का क्या करूँगी। शी इज़ मोर वरीड के सब बोल रहे हैं बस नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, तो मैं चाहती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी हो। सो हियर अगेन, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? हियर वी वांट टू गिव दैट स्ट्रेंथ टू द वुमेन, बिकॉज शी इज सुपर लोनली राइट नाउ, and she's scared as well. She's very scared, correct? She probably looks at her mirror and you know she's seeing some change every second day, absolutely feeling some change within herself every day, and then there is this stress. खुद का तो हमको स्ट्रेस नहीं होता, हमें सोसाइटी क्या कहेगी बाद में, घर वाले क्या कहेंगे, बहुत सारे लोग रहेंगे जो बहुत सारे कमेंट सजेशंस देंगे, ठीक है? आप एक अच्छी नियत से बोल रहे होंगे, आप एक सही, शायद आपके हिसाब से जो सही है आप वो बोल रहे होंगे, बट ज़रूरी नहीं है ना कि जो आपका नज़रिया है सामने वाले का वही नज़रिया है, वो एक बंदी है। इम्पैक्ट भी होता है ना, हम कुछ भी बोल देते हैं, बिकॉज शी इज कन्फ्यूज। बीट द फर्स्ट प्रेगनेंसी, सेकेंड प्रेगनेंसी, थर्ड प्रेगनेंसी, हर प्रेगनेंसी अलग होती है जी। हर प्रेगनेंसी के दौरान और हर प्रेगनेंसी के बाद पोस्टमार्टम भी सिचुएशन अलग रहती है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में आप एक फर्स्ट टाइम मदर आए हो, जहां आपने कभी शायद उतने छोटे बच्चे को हाथ में लिया नहीं है, बिल्कुल। नाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट चाइल्ड, वो पूरा उसका एग्जिस्टेंस exactly. आप किस तरीके से क्या ध्यान दे रहे हो? एग्जैक्टली, सेकेंड प्रेगनेंसी में यू हैव टू टेक केयर ऑफ वन चाइल्ड ऑलरेडी, वो बच्चा भी अपने स्ट्रगल्स हैं उसके जी. उसका ग्रोथ है, उसके स्कूल है, उसकी पढ़ाई है, घर का मैनेजमेंट है। डिलीवरी के बाद आपको दोनों बच्चों को संभालना है, जहाँ बड़े बच्चे को जो इतने टाइम तक
अकेला रहा है जिसका आपने 100% कॉन्सेंट्रेशन आपका उसके ऊपर था, अब अगर आप उसको 80 भी दे रहे हो तो 20% तो उसके लिए मिसिंग है. सो दैट फीलिंग ऑफ अबैंडनमेंट, फीलिंग दैट प्रोबेबली मम्मा डजंट लव मी द सेम एनी मोर, देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस. प्लस उसके साथ जो हम रोज़मर्रा की जिम्मेदारियाँ, येस उसको करना है, बट इट इज़ ओके टू गेट हेल्प. एग्जैक्टली. इट इज़ ओके टू से नो, ये मेरे से नहीं हो रहा है. इट इज़ ओके टू आस्क फॉर हेल्प. हमको शर्मिंदगी दिखाई जाती है, या वी आर सेड दैट वी आर काइंड ऑफ इन वेज वी आर टोल्ड दैट यू आर नॉट गुड इनफ, नॉट केपेबल टू मैनेज, नॉट योर केपेबिलिटी. एंड जहाँ फिजिकल चेंजेस हैं, बाकी चेंजेस तो हमको बताया, अच्छा डिलीवरी होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा, बट व्हेन आई सी माय सेल्फ इन द मिरर, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट न्यू थिंग्स आर हैपनिंग टू मी, बिकॉज अंटिल अनलेस, अब हम गूगल कर रहे हैं, इसके पहले कोई जरिया नहीं था कि अच्छा मेरी स्किन डार्कनिंग भी होगी, मुझे ये भी होगा, मुझे स्ट्रेच मार्क्स भी आएंगे, तो हम ये सब बातों में बारे में बातें करते ही नहीं. एंड जब आप एक मिरर देख रहे हो, योर होल सेल्फ इमेज कि मैं हमेशा, आई वॉज वेल ग्रूम्ड, आई वॉज एक्स वाई जेड साइज, यू आर सीइंग ऑल दैट चेंज एंड यू मिस व्हाट यू वर बिकॉज नो वन हैज प्रिपेयर्ड यू फॉर दिस. यू टेक टाइम टू एम्ब्रेस योर न्यू सेल्फ बिकॉज ऑब्वियसली देयर आर चेंजेस व्हिच मे और मे नॉट गो बैक टू व्हाट इट वाज अर्लियर. वजन जितना एक्सपेक्टेड है नहीं बढ़ा तो कमेंट्स आएंगे, बहुत ज्यादा बढ़ गया तो कमेंट्स आएंगे. सो यू डोंट नो व्हाट टू डू. You are expected to be your normal self, जो तुम पहले थे, जो भाग दौड़ करते थे, जो जिम्मेदारियाँ अच्छी बेहतरीन तरीके से निभाते थे, तुमसे वो तो expected है ही, along with what you are going through. It's too much to process. It is, and they don't know whom to talk to because they don't have anybody to talk to. There is no listening here. If you say, अरे मम्मा मैं कुल्टी, हाँ बाबा होता है, सबको होता है, जाने दे थोड़ी. Exactly. So any of our problems is taken for granted. Right, absolutely. And it's dismissed. कि चलो, it's okay. You have to cope with it. Exactly. That's it. I was told कि बच्चा ज़्यादा healthy होता है जब उल्टियाँ होती है. So it is okay. Yeah. So अगर हमको फूड इन्फेक्शन होता है, जस्ट टू हैव दैट नॉशियस फीलिंग, जस्ट टू हैव दैट वन वॉमिट, वी रन टू द डॉक्टर कि मेरे को वापस उल्टी ना हो, एंड आई डोंट वांट टू हैव दैट नॉशियस फीलिंग. एंड देन वॉमिटिंग 10 टाइम्स 20 टाइम्स अ डे, इट इज एग्जॉस्टिंग इमोशनली, फिजिकली, इट ड्रेन्स यू, ड्रेनिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी टॉक टू देम. ठीक है, आप उसका नहीं कुछ कर सकते, डॉक्टर देंगे दवा अपने जितना दे सकते हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड सेफ्टी, बट वॉट यू नीड टू डू इज जस्ट गिव देम अ शोल्डर टू क्राई. इट्स ओके, ठीक है, जस्ट गिव देम योर, यू नो, मे बी 10 मिनट्स अ डे, कि उसको जो फील हो रहा है वो जस्ट आपको बोल पाए विदाउट बींग जज्ड. एग्जैक्टली, दैट इज ऑल दैट वी नीड. So what I usually suggest to patients is speak to someone whom you're comfortable with, who you feel is not going to judge you. They may not solve all your problems, but at least you're venting it out. Yeah, and like जैसे कहा गया ना, जब डॉक्टर के पास भी जाते हो तो आधी बीमारी उनसे बात करने में, and with the way the doctor responds to you, उसमें ही आधी बीमारी ठीक हो जाती है. That is very true. So this is same thing applies here. You need a constant support system. बिल्कुल. I'm not saying कि हर छोटी बात पे आप फोन उठा के रोने लगो, but at least whatever is happening, maybe आप मम्मी को नहीं बता सकते because she'll get worried. Maybe हस्बैंड को नहीं बता सकते, मे बी ही विल गेट वरीड और वट एवर अदर रीजंस, मे बी यू कैंट स्पीक टू योर इन लॉज. बाय द वे, आई हैव सीन सम वेरी वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप बिटवीन इन लॉज ऑल्सो, लाइक द डॉटर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, एंड आई हैव सीन वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप्स ऑल्सो. सो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये रहता है, मैं क्या करूँ बता के, वो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है, मैं और क्यों स्ट्रेस्ड हूँ, राइट. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स वी डोंट टेल पीपल बिकॉज दे फील दैट वील बर्डन देम विद आर इश्यूज. So talk to a person who will not get that emotionally affected by it, who wants your well-being, who will keep your privacy, who will listen to you. जी. Venting out is extremely important. Right. And अगर mother एक constant state of depression and anxiety में रहती है, it is going to have effect on the child. जहाँ एक newborn baby होता है, वो उस तरीके का एक warmth relationship जो रहता है, एक जो attachment रहता है, वो उतना नहीं बना पाता है because they already feel insecure. Exactly. If we have जाने अनजाने में हमारी बातों से already वो जो new mother है, she is not confident about even holding her own child. Exactly. She doesn't know how do I breastfeed. She doesn't know, or she needs help with
द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स दैट कुड बी चेंजिंग द डायपर और स्वॉडलिंग द चाइल्ड या पहली बार पकड़ना है या अ लॉट ऑफ टाइम्स द मदर और समवन हेल्प्स देम टू होल्ड द चाइल्ड because they are worried they don't want to hurt their child that constant concern is there so agar mother is going to be stressed it is eventually going to affect the child so it's so important jaise neelam doctor ne kaha ki collective it's a team effort matlab agar pregnant sirf ek aurat hai she is not supposed to solely manage everything it is so important that the family members step up wo bhi aage aaye aur wo apne apne koi bhi hisse matlab in whatever way they should help so coming to you dr alfia when we say that we want a healthy pregnancy jo hame chahiye ki bachcha bhi tandurust ho aur maa bhi tandurust ho to what are the things that you know a mother and the family members should take care of kyunki stress and ye sab cheeze to hai but how do you cope with it how do you make sure ki this not adversely affecting your child so what and is your mother's health ji so what is most important in terms of mother's health is good nutrition and exercise okay now good nutrition means discipline rakho यानी कभी कभार क्या होता है इज़ लेट सोए लेट उठे ब्रेकफास्ट स्किप किया डायरेक्ट लंच हुआ सो देन व्हाट हैपेंस इज़ जब वो 12 घंटा शी इज़ एम्प्टी स्टमक इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द वेट ऑफ द बेबी राइट एंड नॉर्मली क्या होता है शुरू के 5 में कुछ पता नहीं चलता है इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ द बेबी बिकॉज ऑल द बेबीज टिल द एनोमली स्कैन आर द सेम इन वेट ओके इट्स आफ्टर दैट विच डिटर्मिन्स व्हाट इज़ द वेट गेन ऑफ द बेबी तभी क्विक वेट गेन होता है स्पेशली फ्रॉम द 7th ऑनवर्ड्स ओके तो फिर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डाइट इज नॉट ओनली लास्ट ट्राइमेस्टर मतलब ऐसे नहीं है कि हम अभी 7 में बराबर से खाएंगे तो हमारा बच्चे का वजन अच्छा हो जाएगा नो इट इज फ्रॉम द बिगिनिंग बिकॉज डेवलपमेंट तो पहले से हो एग्जैक्टली फर्स्ट 3 जनरली बिकॉज एक्सेसिव नॉजिया वॉमिटिंग रहता है तो जनरली इट इज एडवाइजेबल टू हैव लो फैट डाइट क्योंकि फैटी फूड नॉजिया बढ़ा देता है वेयरएज कार्बोहाइड्रेट्स नॉजिया कम रखता है ओके सो दैट इज वन थिंग फ्रूट्स सेकेंडली इज सेकेंडली इज जैसे गुड़ का टुकड़ा अभी देर आर सम नोशंस के ये गरम तो आधी चीजें जो जरूरी रहती है लाइक खजूर पीपल विल नॉट ईट क्योंकि उनके हिसाब से वो कहा जाता है ये नहीं खाना यस बट दिस इज नॉट द नॉर्म ओके ये चीजें गर्म नहीं होती इनफैक्ट इट इज वेरी गुड इवन फॉर नॉजिया ओके सेकेंडली इज के डिसिप्लिन बिकॉज ब्रेकफेस्ट बाई 7:30 तो 7:30 ब्रेकफास्ट कोई लोग दे गेट अप एट 11:00 12:00 एंड ब्रेकफास्ट एट 1:00 लंच एट 5:00 डिनर एट 2:00 तो प्रेगनेंसी में वो डाइजेस्ट होता नहीं है सो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो वक्त पे जो चीज खाना है वो ही चीज खाना है बिल्कुल यू कैन नॉट हैव ब्रेकफास्ट एट लंच टाइम एंड से दैट अभी मुझे बदहजमी हो रही है मुझे गैस हो रही है मुझे नहीं जम रहा है तो नहीं जमेगा बिकॉज योर टाइमिंग इज रॉन्ग तो वन इज डाइट सेकेंडली इज एक्सरसाइज तो एक्सरसाइज भी बहुत मायने रखता है इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली फिजिकल बट ऑल्सो मेंटल हेल्थ ओके नाउ नॉर्मली अगर हम एक्सरसाइज की बातें करते हैं तो जर्नी द वुमेन सेज घर में ही इतना काम है कि वही एक्सरसाइज हो जाता है ओके बट लेट मी टेल यू दैट इज नॉट एक्सरसाइज तुम आप घर में जितना भी काम करते जैसे खाना बनाना है ऊपर ऊपर के कामें हैं इज एक्चुअली नॉट काउंटेड एज एक्सरसाइज बिकॉज योर बॉडी इज यूज्ड टू इट नॉट ओनली यूज्ड टू इट नाउ इफ यू सी वी हैव मशीन्स फॉर एवरीथिंग ओके बाई आती है झाड़ू पोता करके जाती है या वॉशिंग मशीन रहता है मिक्सी ग्राइंडर्स है हमें सिर्फ कर्चा हिलाना है बिल्कुल तो वो एक्सरसाइज में नहीं गिना जाता है तो एक्सरसाइज मूविंग योर बॉडी एग्जैक्टली एक्सरसाइज इज कि आप हर आजे की एक्सरसाइज कर रहे हो लाइक एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी नीड्स एन एक्सरसाइज राइट बैक एक्सरसाइज स्पेशली फॉर प्रेगनेंसी बैक एक्सरसाइजेस है पेल्विक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस है तो ये सब प्लस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बिकॉज ब्रीदिंग रिलैक्सेशन ऑफ द माइंड ये सब जो एक्सरसाइजेज है रियली हेल्प्स अ गो फॉरवर्ड एंड इवन इन लेबर तो लेबर में ऑल्सो ये सब चीज़ें जो वो करती है इन प्रेगनेंसी वो हेल्प करता है And this is like throughout, matlab from the first month till the, like you said, yes, even till delivery and even after delivery. Oh, even after. Okay, that is wonderful. जी मैम जिस तरह आपने बताया तो हम ये समझ सकते हैं कि ये एक्सरसाइज वगैरह कितनी ज़रूरी होती हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड फॉर द टाइम ऑफ द बर्थ सिस्टर आपसे ये जानना चाहेंगे जहाँ हम बात कर रहे हैं अब बर्थ की जब एक बच्चा पैदा होता है तो जैसे मैंने पहले भी कहा था व्हेन अ चाइल्ड इज़ बॉर्न द मदर इज़ ऑल्सो बॉर्न जैसे उसके लिए सारी चीज़ें नहीं हैं वो एक नई दुनिया में है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लड़की के लिए भी नहीं है वो इससे पहले माँ नहीं थी वो नहीं जानती है चीज़ों को टैकल कैसे करना है अक्सर ये हो जाता है कि इस न्यू फेज़ में वो जो चैलेंजेस फेस कर रही हैं महीनों हो जाते हैं हमें नींद नहीं मिलती स्पेशली इनिशियल डेज आर वेरी वेरी डिफ़िकल्ट ठीक है बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं कर पाते हैं
ठीक है, काफ़ी बार ऐसा होता है बिना बात के रोना आ जाता है, हमारे इमोशंस हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। अक्सर ये होता है घर में जो बड़े होते हैं वो लड़की को ये कहते नज़र आते हैं कि अरे अल्लाह ने ऐसे ही आपके पैर के नीचे जन्नत तो नहीं दे दी। इस तरह की बातें जब एक लड़की सुनती है, इस्लाम ने अल्लाह ने जो गिफ्ट दिया आपको वो गिफ्ट किस तरह से उसी लड़की पे एक बर्डन बन जाता है, और किस हद तक इस तरह की बातें करना या उसे अपने दिल का हाल नहीं बताने देना या कंपैरिजन करना, क्या इस्लाम ने इन चीज़ों की इजाज़त दी है? यकीनन इस्लाम तो एक मेहरबान दीन है, वो कैसे इजाज़त दे सकता है किसी पर जुल्म या ज़्यादती या किसी को तन्हा रखने के लिए। हम एक आम सी मिसाल देखें कि अगर एक फैमिली है, उस फैमिली में कोई भी ऐसा बशर या कोई बच्चा वो ज़रा कुछ दिनों से खौफ ज़दा रहने लगा है या कुछ डरा डरा सा रहता है या कुछ उसका कुछ ऐसा मसला है कि जिसकी वजह से वो बहुत उदास है या मायूस है, तो पूरे घर वाले परेशान हो जाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि परेशानी क्या है, और अगर रीज़न पता चल जाए तो क्या कोशिश करते हैं कि उसकी उस उदासी को दूर किया जाए, उसकी तन्हाई को दूर किया जाए। अगर वो बच्चा पलट कर ये कहता है कि हाँ मुझे अकेले रहने की वजह से ये खौफ पैदा हो रहा है या मुझे कुछ बातें अपने बारे में बतानी है या स्कूल के दोस्त कुछ अज़ियत दे रहे हैं, किसी मसले से मुझे ये चीज़ें सामने आ रही हैं, तो लिहाजा पूरा घर मिलकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है, क्योंकि हमारा एक फैमिली मेम्बर है, अगर वो परेशान है तो उसकी परेशानी को दूर करने के लिए हर एक इंसान लग जाता है। अब एक ऐसी खातून कि जो फैमिली का इतना अहम हिस्सा है, आपके घर की बहू है या किसी की जौजा है, बीवी है, जब इस दौर से वो गुजर रही होती है कि अभी एक नौमौलूद बच्चा उसके हाथों में आया, अब जाहिर सी बात है बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और जैसा कि बिल्कुल वाजे डॉक्टर साहिबा कर चुकी हैं कि कितना ज़्यादा स्ट्रेस भी होता है इनिशियल स्टेज में, बहुत ज़िम्मेदारी भी होती है, नींद बराबर नहीं मिलती, बच्चे को किस तरह हम संभालें, किस तरह उसका ख्याल रखें। बाज़ औक़ात तो ख़वातीन ये तक सोचने लगती हैं कि शायद मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख पा रही हूँ और मुझसे बहुत कोताही हो रही है, एहसास कमतरी का शिकार होने लगती है। फिर घर वाले जब इस बात को उसकी तरफ करते हैं कि हाँ ये चीज़ें तो हमने आसानी से कर ली थी, तुम्हें इतनी मुश्किल क्यों, फिर वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्फीरियर, बहुत हकीर, बहुत कमतर समझना शुरू करती है, जिसका असर ये होता है कि वो बच्चे की तरफ भी इस कदर ध्यान नहीं दे पाती। और यकीनन जो जुमला आपने कहा कि जो एक तोहफा था परवरदिगार आलम का, जिसके लिए शायद उसने बड़ी दुआएं भी की होंगी कि साथ खैरियत के हमें औलाद में असर हो जाए, उस औलाद के मिलने के बाद वो खुशी को जो है इंजॉय भी नहीं कर पा रही है, लिहाजा जो एक तोहफा था, एक खुशी थी, वो अब उसे ज़रा बोझ लगने लगता है, बच्चे को संभालना उसके लिए मुश्किल होने लगता है। लेकिन यही खुशी और ज़्यादा बढ़ सकती है, दुबाला हो सकती है, कब, कि जब फैमिली का सपोर्ट ऐसे आलम में उसे मिलता हुआ नज़र आए, फैमिली मेम्बर्स हैं आकर के अगर ये कहते हैं कि ठीक है परेशान क्यों हो रही हैं आप कुछ देर आराम कर लें, आप रेस्ट कर लें, हम बच्चे को संभाल देते हैं, यकीनन एक इतना कह देना या कुछ घंटों के लिए भी बेबी को संभाल लेना और उसका वो नींद मिल जाना, वो भी एक रहमत उस वक्त महसूस होता है कि वाकई कि हमें इतना बड़ा सपोर्ट मिल गया। बाज़ औक़ात फैमिली किसी की छोटी है कि इन लॉज भी दूर रहते हैं या वालिद भी लड़की के दूर हैं, अकेले हैं जैसे बाज़ औक़ात, लेकिन शौहर अगर है इसके मुतालिक के साथ साथ यकीनन, तो शौहर की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस आलम में वो किस तरह से अपनी बीवी का सपोर्ट करे। यहाँ तक कि अगर कभी कुछ ऐसे केस होते हैं, बच्चा ज़रा कमज़ोर सा पैदा होता है, तो डॉक्टर्स देखे कि हम देखते भी हैं इस चीज़ को कि डॉक्टर साहबा यकीनन ऐसे केस तो बारहा देखती होंगी कि न सिर्फ ये कि माँ से बल्कि शौहर से भी मुतवज्जे होकर डॉक्टर कलाम करते हैं कि आप भी साथ दें और बच्चे का ख्याल रखें। तो लिहाजा ये तमाम चीज़ें हैं कि फैमिली मेंबर से बड़ी उम्मीदें होती हैं एक खातून को, और ऐसी बहुत सी फैमिलीज हैं भी कि जो बहुत सपोर्ट करती हैं, और ये जो दौर होता है इनिशियल स्टेज जो बहुत ज़्यादा एकदम दबाव और टेंशन से भरा हुआ, लेकिन ये बिल्कुल हटता हुआ नज़र आता है अगर फैमिली सपोर्ट करती हुई नज़र आती है। जी ठीक आपने, और शायद यही माशरे में चेंज की ज़रूरत है, दैट कहते तो हम बहुत कुछ है, तो कोशिश करें अच्छा कहें और अच्छी तरह मदद करें। मुझे लगता है ये छोटी सी बातें, मतलब सिर्फ एक हौसला अफजाई भी कर दो कि हाँ यू आर डूइंग अ गुड जॉब, उसमें ही सारी आधी थकान उसमें ही खत्म हो जाती है, एंड द मदर इज मोटिवेटेड कि हाँ मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँ। सो डॉक्टर अल्फिया, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जब अभी आपने जिक्र किया था कि जब औरत कमज़ोर होती है, बच्चा कमज़ोर होता है, तो नॉर्मली जो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है वो सी सेक्शन पर चली जाती है। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अ नॉर्मल डिलीवरी, और
फिर शायद वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो, रेस्ट कितना ज़रूरी है और क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए? सो बेसिकली ऑब्वियसली नॉर्मल डिलीवरी इज़ एनी डे बेटर एज़ कम्पेयर टू सिज़ेरियन, बिकॉज सिज़ेरियन वैसे इन मॉडर्न मेडिसिन इफ़ यू से हैज़ बिकम वेरी सेफ बिकॉज ऑफ द अवेलेबल सूचो मटीरियल्स एंड ऑल, द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड इन्फेक्शंस आर हायर इज़ लो, बट ऑब्वियसली सिज़ेरियन इज़ अ सर्जरी, उसके भी अपने रिस्क रहते हैं कि इंजरी टू अदर ऑर्गन्स. मोर देन दैट इज़ द सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी. एक अगर सिज़र होता है then there is a chance that the probability of cesarean in the next pregnancy is also higher. Right. Whereas ek normal delivery ho gayi hai, then it is, it's very certain that most probably second will also be a normal. No. Okay. So iske liye anyways normal delivery is one advantage is this, that yes, next pregnancy secure ho jati hai in terms of the route of delivery. Ji. And secondly is quick return to normalcy and right. breastfeeding. Because what happens is cesarean mein generally एक तो बिकॉज ऑफ द एनेस्थीसिया माँ हिल ही नहीं पाती है, तो जो फर्स्ट मिल्क विच इज़ इम्पॉर्टेंट जो बच्चे को मिलना चाहिए वो सिजेरियन बेबीज में काफ़ी नहीं देखा जाता है, बिकॉज वो एक तो वो सिचुएशन में और वो पोजिशन में है ही नहीं कि शी कैन इवन होल्ड द बेबी. तो नॉर्मल डिलीवरी इन दैट सेंस इज कि ब्रेस्ट फीडिंग लेबर रूम में ही चालू हो जाता है. ओके. तो दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ नॉर्मल डिलीवरी ओवर सिजेरियन इन टर्म्स ऑफ द फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड्स हेल्थ आल्सो. एग्जैक्टली, बिकॉज ऑफ द कोलोस्ट्रम. सो एंड आफ्टर बच्चू जेनी हॉस्पिटल्स में क्या होता है इज देयर आर सिस्टर्स, यू नो बच्चा रोएगा तो सिस्टर लेगी डायपर चेंज करेगी, फिर मदर को फीडिंग के लिए हेल्प इजीली अवेलेबल है. हेल्प इज इजीली अवेलेबल. अभी यही चीज घर में भी रेप्लिकेट हो गए देन इट बिकम्स मच बेटर फॉर द मदर्स. तो जनरली हम ये बोलते हैं कि जब बच्चा सोता है यू स्लीप, जब बच्चा जागता है यू हैव टू स्टे अवेक, बिकॉज दैट इज द ओनली टाइम उसको रेस्ट मिलेगा, बिकॉज द अदर टाइम शी हैज टू ब्रेस्ट फीड. एंड ब्रेस्ट फीड जितना हम एनकरेज करते हैं इज बेटर नॉट ओनली फॉर द चाइल्ड बट ऑल्सो फॉर द मदर्स हेल्थ. बिकॉज जो वो हम 6 weeks जो 40 दिन हम पकड़ते हैं तो वो ब्रेस्ट फीडिंग से जो प्री प्रेगनेंट चेंजेस को वापस जाना है वो सब ब्रेस्ट फीडिंग हमें हेल्प करता है. ओके, इट हेल्प्स द बॉडी रिबाउंड एंड गो बैक टू नॉर्मलसी. तो सो दिस रेस्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मदर. नाउ इन इन न्यूक्लियर फैमिली स्पेशली ऐसा हो जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग जब बच्चा सोता है देन वो दूसरे कामें करने लग जाती है. At that time is the family support. Correct. Because अगर she doesn't get even that जैसे power sleep बोलते हैं फिर उसमें काफ़ी changes आते हैं, exertion, थकान, body rejuvenate हो जाता है, she can't breastfeed, milk कम हो जाएगा, mental health effect होती है, postpartum depression आता है, all these things then start coming in. Correct. तो at that time family support, husband support, okay, becomes very important. और एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, दिस इज़ लाइक वॉट कैन हैपन, दीज आर थिंग्स दैट यू सी एंड मतलब लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, बट दीज स्मॉल थिंग्स कैन यू नो वार्ड ऑफ सो मेनी ऑफ दीज. डेफिनेटली राइट. हम आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट मौजू को डिस्कस करने के लिए आप हमारे साथ आए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू व्यूअर्स. आखिर में बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि एक औरत की ज़िंदगी का तीसरा मरहला मैरिज, प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम, ये इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है. शादी हुई तो भी टर्निंग पॉइंट, आप माँ बने तो भी टर्निंग पॉइंट, और इस पॉइंट पर हमें ज़रूरत होती है सपोर्ट की. सपोर्ट जिसके ज़रिए हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सके, उन अल्फाज की जिनके ज़रिए हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सके, ना कि उन कमेंट्स की जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर दे कि क्या मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया. इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ. पैगाम इंसानियत. शुक्रिया.